नमस्कार, स्वागत आपका डेली डायरी न्यूज में। बिहार बोर्ड के टॉपर गणेश को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले गणेश ने एक तरह से धमकी देते हुए कहा कि गरीब लोगों को जब इस तरह से फंसाया जाता है तो आगे चलकर माफिया और आतंकवादी बनते हैं। गणेश की गिरफ्तारी के समय जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। खुद को बेगुनाह बताते हुए गणेश ने कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई है, तो दूसरी तरफ बिहार बोर्ड ने गणेश का रिजल्ट कैंसिल करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही बोर्ड ने उसके मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट को भी सस्पेंड कर दिया है। 12वीं की आर्ट परीक्षा के टॉपर गणेश ने संगीत में 70 में से 65 अंक पाए, लेकिन सच तो यह है कि उसे संगीत का सामान्य जानकारी भी नहीं है। 42 साल के गणेश ने 12वीं की परीक्षा के लिए एडमिशन लिया, जिसमें उसने अपनी उम्र को गलत दर्शाया था। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि टॉपर घोटाले के इस फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं।